नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। क्रिकेट की दुनिया में भारत और पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला कोई नहीं होता है। बता दें, पूरा क्रिकेट जगत इस मुकाबले पर नजरें जमाए बैठा रहता है। दोनों देशों में राजनीतिक कारणों से बायलेटरल सीरीज नहीं खेलते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप और एशिया कप में एक दूसरे के खिलाफ जरूर खेलते हैं। बता दें, 17 दिसंबर यानी कि रविवार को ये दोनों टीमें एक बार फिर से भिड़ सकती थी। ये महामुकाबला हो सकता था और फैंस भी इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन फैंस को निराशा हाथ लगी है। दुबई में इस समय अंडर 19 एशिया कप खेला जा रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला हो सकता था, लेकिन ये दोनों ही टीमें फाइनल में नहीं पहुंची हैं। 8 बार की चैंपियन भारत को बांग्लादेश ने दूसरे सेमीफाइनल में 4 विकेट से हरा दिया है। वहीं पाकिस्तान की तो और बुरी फजीहत हो गई है। वहीं बता दें, इस टीम को यूएई जैसी टीम ने पहले सेमीफाइनल में ना भूलने वाली हार दी है। वहीं यूएई ने पाकिस्तान को 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जहां पर उनका सामना बांग्लादेश से होगा। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने मैच जीत लेती तो फिर फाइनल में इन दोनों टीमों की टक्कर जरूर होती। अभी तक अपने बल्ले की धाम जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज सेमीफाइनल में फेल हो गए हैं। वहीं टीम इंडिया कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ये टीम महज 188 रनों पर ढेर हो गई थी और सेमीफाइनल में आउट होने के बाद ये टीम भी बाहर हो गई है।